नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोकोपीट के बारे में बात करूंगी। कोकोपीट के पौधों में क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए जब हम इसको यूज़ करते हैं, और कहां से हमें सस्ती मिलेगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। कोकोपीट नारियल के छिलके से बनती है। ये बहुत ही हल्की होती है और पौधों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। कोकोपीट को यूज़ करते समय बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पानी बहुत ही देख कर देना है, क्योंकि ये पानी को थोड़ा सा होल्ड करती है। जब हम छत पर या फिर बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, गमलों में पौधे लगाते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे जो गमले हैं वो बिल्कुल हल्के रहें, वज़न कम हो छत पर बालकनी में। जब हम इसका यूज़ अपने पौधों में करते हैं तो लगभग आधा सा ही वज़न हो जाता है हमारे गमले का। तो बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो यही है कि बहुत ही कम वज़न हमारे छत पर बालकनी में रहेगा, हमारा गमला हल्का रहेगा, हम कभी भी इधर उधर उठा के उसको रख सकते हैं। हैंगिंग बास्केट भी हमारी बहुत ही हल्की रहती है अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो। कोकोपीट को यूज़ करने से पौधों की बढ़त बहुत अच्छी होती है। जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, हार्ड नहीं होती। अगर आप रेत नहीं भी मिलाते हैं, कोकोपीट मिलाते हैं तो काम हो जाएगा। आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रेत यूज़ करिए ड्रेनेज अच्छा रखने के लिए। तो रेत का अच्छा विकल्प है कोकोपीट, इससे ड्रेनेज भी अच्छा रहता है और मिट्टी भी सॉफ्ट रहती है। कोकोपीट को अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है। अगर आप 5 किलो की एक ईंट सी आती है वो लेते हैं तो लगभग 400-500 के करीब आती है। मैंने ये पूरा एक कट्टा लिया है नर्सरी से, जो 25 किलो का है और 200 रुपये में मुझे ये मिला है। तो अगर आप नर्सरियों पर 2-4 पर जाकर पता करें तो नर्सरी पर आपको ज़्यादा सस्ती मिलेगी कोकोपीट, और इसमें कुछ झंझट भी नहीं है। अगर हम वो ईंट मंगाते हैं तो उसको हमें बार बार पानी में भिगो के उसको तोड़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये बनी बनाई मिली है मुझे और बहुत ही बढ़िया कोकोपीट है, और पूरा मैं एक कट्टा लेकर आती हूँ, जब ये ख़त्म हो जाता है फिर ले आती हूँ। तो लगभग 4-5 महीने तो आराम से चल जाता है अगर मैं नए पौधे लाती रहती हूँ, रिपोर्ट करती रहती हूँ। तो ये सबसे बढ़िया है कि आप नर्सरी पर जाकर पता करें, 2-4 पर पता करेंगे तो किसी ना किसी पर ज़रूर सस्ती मिल जाएगी और वहाँ से आप लें। अगर आपको नहीं मिलती है नर्सरी पर तो फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। सबसे जो बढ़िया इसमें चीज़ है, इसमें कभी भी फंगस नहीं लगती है। तो जो हम बीज वगैरह लगाते हैं वो हम कोकोपीट में लगाते हैं तो हमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। हमेशा जब भी आप बीज या फिर कटिंग लगाएंगे तो आप कोकोपीट में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें फंगस नहीं लगती है। इसमें प्राकृतिक रूप से ये एंटी फंगल होती है, तो आप इसमें बीज या फिर कटिंग लगा सकते हैं। पौधों में आप इसको मिक्स करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अभी जैसे गर्मी हो रही है, सुबह से शाम तक ही पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं। तो अगर आप कोकोपीट अपने पौधों में डालते हैं, अगर आपने मिट्टी बनाते वक्त कोकोपीट यूज़ नहीं की है, तो आप इस तरह से गुड़ाई करके ऊपर भी इसको डाल सकते हैं। इससे आपके जो पौधों की मिट्टी है वो सूखेगी नहीं, बिल्कुल भी नमी बनी रहेगी पौधे में और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। मल्चिंग की तरह से भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ना ही कोई घास वगैरह उगेगी जो उग जाती है, और पौधे हमारे सूखेंगे नहीं, तेज़ धूप से गर्मी से बचे रहेंगे। कोकोपीट पानी को होल्ड करती है, तो जब हम पानी देते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रखती है पानी, तो पौधे में नमी बनी रहती है। इससे हमें पानी भी कम देना पड़ता है पौधों में। अगर हमारी मिट्टी नहीं सूखती है तो हम एक दिन छोड़कर भी पानी दे सकते हैं, इससे पानी की भी बचत होती है। और अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो भी हमें 1-2 दिन टेंशन नहीं होगी, क्योंकि 1-2 दिन 3-4 दिन तो गर्मी में भी आराम से पौधे बच जाएंगे इसकी वजह से। हैंगिंग बास्केट में इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ है। जब हैंगिंग बास्केट हम बनाते हैं तो ज़रूरी है कि वो हल्की हो बिल्कुल, तो आप उसमें कोकोपीट का ज़्यादा यूज़ करिए। और वो छोटी भी होती हैं तो बहुत जल्दी सूख भी जाती हैं गर्मियों में तो खासकर। तो अगर हम कोकोपीट का उनमें यूज़ करते हैं तो एक तो उनमें नमी बनी रहती है तो ग्रोथ अच्छी होती है, और सबसे बढ़िया बात है वो हल्की रहती हैं, कभी भी हम उनको उतार सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वरना बास्केट भारी हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है उनको उतारना, टांगना, ये सब करने में। तो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका जो वज़न है वो भी बहुत हल्का हो जाएगा गमलों का, बास्केट का। तो बास्केट के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। बास्केट में आप एक हिस्सा ये लीजिए, एक हिस्सा खाद मिलाइए और एक हिस्सा मिट्टी मिलाइए, या फिर आधा भी मिलाएंगे मिट्टी तो भी चलेगा। और जब भी कभी पौधे को रिपोर्ट करते हैं या फिर नया पौधा लाते हैं तो उसमें भी इसको यूज़ ज़रूर करिए।
आप मिट्टी लीजिए एक हिस्सा कोकोपीट ले लीजिए और उतना ही खाद ले लीजिए और मिक्स करके लगा दीजिए अपने प्लांट्स। आप मिट्टी की मात्रा थोड़ी और कम भी ले सकते हैं, अगर आप हल्के अपने गमले बनाना चाहते हैं तो भी प्लांट अच्छे से चलते हैं, लेकिन थोड़ी मिट्टी और कंपोस्ट मिक्स करना ज़रूरी है। कोकोपीट में कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, बस हाँ ये वाटर को अपने अंदर सोख के रखती है और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें किसी तरह की फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती, कीड़े वगैरह इसमें नहीं होते हैं चाहे कितने टाइम तक ही रखी रहे। तो इसको यूज़ करना बहुत ही बढ़िया है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करिए। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि पानी तभी देना है, मिट्टी को थोड़ा देखिए चेक करके, अगर सूखी हो तो ही पानी दीजिए, क्योंकि ये पानी बहुत ही ज़्यादा सोखती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन में हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर धूप नहीं निकल रही है तो। अगर धूप निकल रही है तो हो सकता है डेली देना पड़े पानी। तो बस आप पानी का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे चलते रहेंगे। मैं तो हमेशा ही कोकोपीट यूज़ करती हूँ और बढ़िया प्लांट चलते हैं, पानी की भी बचत होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सियाराम।